कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन यह बैठक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बनकर रह गया। पार्टी में चल रहे आरोप प्रत्यारोप की वजह से ही अभी तक राज्य में नेता विपक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। समीक्षा बैठक में चुनाव हारने वाले करीब 100 उम्मीदवारों ने पार्टी की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु में पिछले हफ्ते आयोजित समीक्षा बैठकों में हारने वाले बीजेपी उम्मीदवारों ने चुनावी हार की जवाबदेही की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव की अंतिम घड़ी में बिना उचित परामर्श के न केवल कई नीतिगत फैसले गलत किए बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी गड़बड़ियां की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कर्नाटक के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कटील, राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई, पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा और पूर्व कर्नाटक बीजेपी प्रमुख केएस ईश्वरप्पा भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा ऐसे बीजेपी उम्मीदवार भी बैठक में मौजूद हुए जो चुनाव हार गए थे। बैठक में बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने तर्क दिया कि कांग्रेस की 5 गारंटी के वादों ने उसे बढ़त दिलाई, जबकि बसवराज बोम्मई सरकार की योजनाओं को मतदाताओं तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया। बैठक में सबसे ज्यादा आलोचना मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त करने और वोक्का लिगा लिंगायत और एससी एसटी के बीच फिर से आरक्षण कोटा वितरित करने के बोम्मई सरकार के फैसले की आलोचना हुई। बेंगलुरु में पार्टी अब तक 2 बार समीक्षा बैठकें आयोजित कर चुकी है। इनमें से एक बैठक निर्वाचित विधायकों और संगठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारियां तय करने के लिए की गई थी और दूसरी बैठक हारने वाले उम्मीदवारों संग उनके हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक जो अन्य दलों से भाजपा में आए थे और चुनाव हार गए वे भी बैठक में मौजूद थे। वे भाजपा से पूरी तरह निराश दिखे। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से हार की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की है। ट्विटर के सह संस्थापक और दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक सनसनीखेज दावे ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन करने का दबाव डाला था। डोर्सी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने, कर्मचारियों के घरों में छापेमारी की धमकी तक दी गई। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। एक इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जब उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई अनुरोध आए थे। यह धमकी भी दी गई कि अगर सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन नहीं किया गया तो वे भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। भारत के अलावा जैक डोर्सी ने तुर्की पर भी ऐसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। वहीं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों को भारत ने निराधार और झूठ का पुलिंदा करार दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह जैक डोर्सी का एक झूठ है, शायद ट्विटर के इतिहास में उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। No, I think this is the rules are for the internet as of today. As I have said earlier and I said today as well to a question, it is clear that our approach is an evolving approach. I have said already that the government is interested in a new Digital India Act. There is going to be a Digital Personal Data Protection Bill that is going to come very soon. And so a modern framework of modern laws to propel, to catalyze our India decade and a $1 trillion digital economy is our vision and that's what we are working for. जैक डोर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खबरों को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा, सनद रहे। इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि उस समय भी हमें जानकारी थी कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। ये सरकार स्थानीय स्तर पर इसे रोकने का प्रयास करती थी। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने, ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पर आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे।
और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे, और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मान देंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो उन्हें जो चीज है उन्हें बिल्कुल ठीक कही है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी, जब नवंबर 2020 से अभूतपूर्व पैमाने के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए थे। मोदी सरकार ने किसानों को समझाने में विफलता को स्वीकार किया और फिर किसानों को मनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 3 कानूनों को वापस ले लिया था। देखिए, आज एक महीने मालूम नहीं ये एडवर्टाइजमेंट सरकार की है या कोई अपने करोड़ों रुपया कोई और कोई दे रहा है। आज सभी अखबार में एडवर्टाइजमेंट है, उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा एक सर्वे बताया। अब ये सर्वे कहाँ से किया, क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है सिर्फ, क्या गुजरात में जाकर सर्वे किया है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बालासाहेब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब यह है कि शिवसेना चल रही है वो बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। आज ये साफ हो गया। अब आपका जो सवाल है राज्य में दंगे, तो ये सरकार स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं, चाहे कोल्हापुर हो, चाहे संगमनेर हो, चाहे संभाजीनगर हो, चाहे आलंदी में वारकरी संप्रदाय पर हुआ हमला हो, कहाँ भी हो, जो भी हो रहा है, ये सरकार की मदद से या सरकार की स्पॉन्सर से ये दंगे हो रहे हैं। तो ये घर घर में जाकर क्या करेंगे, झूठी बातें, झूठे आश्वासन, हाँ छोड़ दीजिए। मैंने देखा है इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश की हमारी स्वतंत्रता कैसे खतरे में है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी का कैसा गला घुटा जा रहा है, जो उससे स्पष्ट होता है। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी, नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज, जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं, और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी, क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर दो बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए, तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है।
और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, ये कानून का उल्लंघन था सरकार की ओर से, और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का, मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है, अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ NIA, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं, और वो सच बार बार उजागर होता है। और आज सरकार को ये बताना है, और ये जो बेकार के तथ्य कहे जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के CEO हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो CEO बनना बंद हो गए थे, 2022 मई से, अगर मैं गलत नहीं हूं, या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर? मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। राहुल गांधी को राहत मिली है, ये राहत कहां से मिली है और क्या मामला है, चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहत दी है। इस मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई। राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बताया था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी की कमांडर इन चोर टिप्पणी मानहानि के समान है। शिकायतकर्ता खुद को BJP कार्यकर्ता होने का दावा करता है और न्यायमूर्ति SV कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत 2 अगस्त तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में आयोजित एक रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। शिकायत के मुताबिक 4 दिन बाद गांधी ने कथित तौर पर एक वीडियो पर टिप्पणी की और अपनी निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। बहरहाल राहुल गांधी को राहत मिल गई है और अब 2 अगस्त के बाद इस पर सुनवाई होगी। We'll be right back.